आइए आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए विषय है हमारा ME 306 एडवांस वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी के यूनिट 4 ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी जीपीसी डूंगरपुर के फाइनल ईयर के मैकेनिकल स्टूडेंट्स को हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन करने के लिए सभी छात्रों का स्वागत है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्राइंडिंग क्या होती है, यह है कहाँ कहाँ काम में ली जा सकती है। ग्राइंडिंग का अर्थ है कि धातु मेटल की ऊपरी सतह को वेरी फाइन पार्टिकल्स में रिमूव करने की क्रिया को हम ग्राइंडिंग कहते हैं। बाजार में या अपनी कॉलोनियों में ये देखा होगा कि कई बार चक्कू छुरी के धार लगाने वाले आते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है उनका? उनके पास एक व्हील होता है जिसको हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। क्या होता है उस पर? उस ग्राइंडिंग व्हील की पेरिफेरी पर एब्रेसिव पार्टिकल्स, अभी हम चर्चा करेंगे एब्रेसिव क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्डेड मटेरियल के द्वारा बॉन्डिंग किए होते हैं यानी चिपकाए हुए होते हैं। बेल्ट की सहायता से वह ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेटर घुमाता है जिससे हमारे चक्कू छुरी या धार लगाने वाले औजार एब्रेसिव मटेरियल्स के संपर्क में आकर उनकी फाइन पार्टिकल्स के रूप में मेटल रिमूविंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारे मेटल्स पर धार लगाने का कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो आइए हम मशीन के बारे में, ग्राइंडिंग पर्पस के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। हाई स्पीड मशीनों की आवश्यकता उद्योग की निरंतर बढ़ती हुई मांग है। आधुनिक प्रोडक्शन प्रोसेस में उच्च उत्पादकता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस दिशा में धातु काटने की दर को बढ़ाने के लिए मशीनिंग क्रियाएं जैसे टर्निंग है, ड्रिलिंग है, मिलिंग है आदि के अंतर्गत रेट ऑफ मेटल रिमूविंग का बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। विशेष रूप से एरोस्पेस व ऑटोमोटिव उद्योग में जहां उच्च गति मशीनन लागू करने की आवश्यकता होती है, धातुओं की उच्च स्तर पर कटाई करना आवश्यक है, इसलिए ग्राइंडिंग किया जाना अति आवश्यक है। ग्राइंडिंग धातु काटने की मशीन क्रिया है जिसके अंतर्गत एक घूमते हुए एब्रेसिव व्हील द्वारा धातु की कटाई फाइन पार्टिकल्स के रूप में की जाती है। एब्रेसिव व्हील विशेषतया निर्मित पहिया होता है जिसे हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ग्राइंडिंग क्रिया में ग्राइंडिंग पहिया कटाई औजार का काम करता है तथा क्रिया के अंतर्गत इसे घुमाने तथा फीड देने की आवश्यकता रहती है। इसके पर्पस की हम बात करते हैं, धातु का उच्च स्तर पर परिष्करण प्रदान करता है,
कार्यखंडों को वांछित आकार तथा सही साइज प्रदान करता है। हार्डन और अनहार्डन सतहों पर से कम मात्रा में धातु की कटाई की जाती है। कटाई औजार पर धार लगाई जाती है। इसमें एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तीन तरह के एलिमेंट्स, ग्राइंडिंग व्हील बनाते समय आवश्यकता रहती है। एब्रेसिव, पहला है एब्रेसिव, दूसरा है ग्रेन, ग्रेड एंड स्ट्रक्चर, और तीसरा है बॉन्ड। हम बात करते हैं एब्रेसिव मटेरियल्स की। एब्रेसिव यानी कि अपघर्षक पहिए के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, जो कठोर एवं अनेक नुकीली कोरों वाले होते हैं, और एब्रेसिव के दौरान ये ही कटिंग करने की क्रिया करते हैं। ये अपघर्षी एक बॉन्डेड मटेरियल के द्वारा परस्पर बंधे रखते हैं, और इनसे अनेक आकृतियों के अपघर्षक पहियों का निर्माण किया जाता है। इसको हम एब्रेसिव पार्टिकल्स, जो कटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिनको हम कटिंग क्रिया के लिए व्हील के बाहर पेरिफेरी पर बॉन्डेड मटेरियल की सहायता से कंपोज कर देते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। इसमें आता है नेचुरल में, हम इसको पांच भागों में विभाजित करते हैं। सैंड स्टोन, एमरी, कोरंडम, डायमंड व गार्नेट। सैंड स्टोन यह एक प्राकृतिक अपघर्षी पत्थर है, नदियों नालों में जो नुकीले और तीखे आकार के पत्थर मिलते हैं उनको क्रश करते हुए हम उनसे ये अपघर्षी पत्थर, इसमें कांच का चूरा भी हो सकता है, इनको बॉन्डिंग करके ग्राइंडिंग व्हील की पेरिफेरी पर लगाया जाता है, जो अपघर्षण पहिए को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है एमरी। ये एमरी, जैसा कि हमने देखा होगा, एमरी पेपर भी आता है। एमरी पेपर भी कोर्स और फाइन ग्रेड में मिलता है बाजारों में। तो एमरी पेपर कई बार दीवारों की सफाई करते हैं, कलर करते हैं, तो एमरी पेपर से उसकी घिसाई की जाती है। वो कोर्स ग्रेड के होते हैं। कई बार मेटल की ऊपर भी घिसाई करते हैं हम, मेटल सरफेसेस के ऊपर, तो वह फाइन ग्रेड के होते हैं। एमरी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड अपद्रव्य होते हैं। तीसरा है कोरंडम, यह भी एक प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसे में 90% तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और शेष लोह ऑक्साइड, जिसे हमने आयरन ऑक्साइड कहा है, ये होते हैं। क्वार्टज की तुलना में एमरी तथा कोरंडम दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक कठोर होते हैं तथा इनकी अपघर्षण क्रिया भी अधिक अच्छी रहती है। फिर आता है डायमंड। सभी एब्रेसिव मटेरियल्स में सर्वाधिक कीमती तथा कठोरतम अपघर्षी होते हैं। उन हीरों को जिनकी उत्कृष्टता जहावाराती हीरों से कुछ कम होती है, चूर चूर करके अपघर्षी पहिए के निर्माण करने हेतु अपघर्षी कण बना लिए जाते हैं। इन अपघर्षण पहियों के द्वारा सीमेंटेड कार्बाइड औजारों का अपघर्षण किया जाता है तथा अपघर्षण कणों से लिहन यौगिक बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है गार्नेट। गार्नेट को हम ये कपड़ा या कागज पर एब्रेसिव
पार्टिकल्स को चिपकाया हुआ गार्नेट शीट का प्रयोग किया जाता है, जो कि धातु मटेरियल को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में सिलिकन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व बोरोन कार्बाइड से यौगिक बनाकर आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल्स तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आता है ग्रेन साइज और ग्रिट साइज। ग्रेन साइज यानी कि जो हमने एब्रेसिव पार्टिकल्स बनाए हैं उन कणों का आकार कैसा है। कण का आकार ग्रिट आकार से तात्पर्य उन अपघर्षी पदार्थ के कणों के आकार से हैं जिनका उपयोग एब्रेसिव व्हील को बनाने के लिए किया जाता है। ये कण का आकार स्क्रीन छन्नी की उस जाल छिद्रों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। वेरी कोर्स जो 6 से 9 नंबर के मेस नंबर हैं, कोर्स 10 से 24 नंबर हैं, मीडियम 30 से 60 नंबर हैं, फाइन 70 से 180 नंबर हैं और वेरी फाइन जो कि बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं उनको हमने 220 से 600, ये मेस यानी कि छलनी के साइज हैं। बड़ा साइज है उसको हमने कोर्स में कहा है, जो छोटे छोटे कण हैं उनको हमने फाइन और वेरी फाइन में विभक्त किया है। ग्रेड, ग्रेड का अर्थ है कि स्ट्रेंथ ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इंक्लूजिव विद द बॉन्डेड मटेरियल, अर्थात एब्रेसिव पहिए के ग्रेड से तात्पर्य यह है कि किसी एब्रेसिव व्हील के अपघर्षी कणों में परस्पर आसंजन की कितनी सामर्थ्यता है। इसको हमने वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम व हार्ड और वेरी हार्ड भागों में विभक्त किया है। इसके बाद में आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी स्पेसिंग बिटवीन द टू एब्रेसिव पार्टिकल्स, दो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच के कणों के बीच के साइज अंतर को हमने स्ट्रक्चर कहा है। स्ट्रक्चर में हमने डेंस, मीडियम व ओपन 3 भागों में विभक्त किया है। डेंस का मतलब है 1 से 4 अंकों तक, मीडियम 6 से 8 अंकों तक और ओपन यानी कि ज़्यादा दूरी पर बने हुए हैं तो ये 9 से 14 अंकों तक व्यक्त किए गए हैं। बॉन्डेड मटेरियल्स, बॉन्डेड में एक ऐसा एब्रेसिव स्ट्रक्चर जिसका उपयोग अपघर्षी कणों को दृढ़तापूर्वक परस्पर बांधे रखने तथा अपघर्षण पहिए की शेप प्रदान करने के लिए किया जाता है। बॉन्डेड मटेरियल्स में हमने वर्टिफाइड बॉन्ड वी, वर्टिफाइड बॉन्ड एस, सेलिक बॉन्ड ई, सेलिक बॉन्ड एस, सिलिकेट बॉन्ड आर, रबर बॉन्ड और बी हमने रेजोनाइट बॉन्ड में इसको विभक्त किया है। इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इसको हमें याद करने के लिए सीधा हमने एक नया तरीका बनाया है, इसको याद करना है जैसे सूत्र याद करते हैं। 51A36LSV23 सबका अर्थ मैं बता देता हूँ। 51 है मैन्युफैक्चरर्स सिंबल है, ए एब्रेसिव पार्टिकल्स है जो हमने अभी बताया था आर्टिफिशियल और नेचुरल हैं। 36 ये ग्रेन साइज है, ये वेरी कोर्स, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन में विभक्त किए हुए जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एल ये ग्रेड है, ग्रेड वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड और वेरी सॉफ्ट, वेरी हार्ड है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमने ओपन, मीडियम और डेंस 3 भागों में विभक्त किया है। और बॉन्ड ये वी वर्टिफाइड बॉन्ड,
ए सिलिकॉन कार्बाइड, ई सेलिक बॉन्ड, आर रबर बॉन्ड और बी रेजोनाइट बॉन्ड। और आखिर में हमने 23 लिखा है, ये मैन्युफैक्चरर्स ओन आइडेंटिफिकेशन मार्क है, मैन्युफैक्चर अपना सिंबल बनाता है। थैंक यू।